कलर्स टीवी पर प्रसारित हो रहा सीरियल ससुराल सिमर का सीजन 2 तो आप सभी लोग देख रहे होंगे, जिसमें टीवी की सबसे खूबसूरत अदाकारा तानिया शर्मा अभिनय करती हुई नजर आ रही हैं, जो सिमर की बहन रीमा का अहम किरदार बखूबी निभा रही हैं। पर बावजूद इसके ये इस सीरियल से ज्यादा फेमस नहीं हो पा रही। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर ये खूबसूरत अभिनेत्री फेमस नहीं हो पा रही तो इसके पीछे टीवी की एक मशहूर अभिनेत्री का हाथ है। तो आखिरकार कौन सी है वो अभिनेत्री और क्यों फेमस नहीं हो पा रही, ये उनकी वजह से आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तानिया शर्मा से जुड़ी इन्हीं सभी सवालों के जवाब, तो आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। यूं तो टीवी इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत अदाकारा तानिया शर्मा ने शो साथ निभाना साथिया में मीरा बनकर और उड़ान सीरियल में अंजोर का किरदार निभाकर दर्शकों से खूब तारीफें हासिल की। जी हां, किसी में इन्होंने अपने भोले भाले अंदाज से दर्शकों को अपनी तरफ आकर्षित किया, तो वहीं दूसरी तरफ बाकी सीरियल में अपने एटीट्यूड और ग्लैमर लुक से सभी को अपना दीवाना बनाया और खूब फेमस होकर काफी ज्यादा मात्रा में पॉपुलैरिटी हासिल की। लेकिन अब जब बारी आई टीवी शो ससुराल सिमर का सीजन 2 की, तो ये उसमें ज्यादा फेमस नहीं हो पाई, क्योंकि ये इस शो में अहम रोल भले ही प्ले कर रही है, पर बावजूद इसके ये ज्यादा फेमस नहीं हो पाई। आपको बता दें कि ये शो में रीमा का किरदार निभा रही है, तो वहीं इनके साथ सिमर बनी टीवी की मशहूर अदाकारा राधिका मुत्तुकुमार भी नजर आ रही है, जो सिमर का मुख्य किरदार बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतार रही है, जिसकी वजह से अभिनेत्री तानिया शर्मा फेमस नहीं हो पाई। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, राधिका मुत्तुकुमार ही हैं वो अभिनेत्री जिनकी वजह से अभिनेत्री तानिया शर्मा पीछे रह गई और फेमस नहीं हो पाई, क्योंकि आज इनकी वजह से तानिया शर्मा दर्शकों के सामने अपना टैलेंट नहीं दिखा पा रही, क्योंकि राधिका जो है वो लीड रोल में है, इसीलिए उनका रोल भी ज्यादा समय तक दिखाया जा रहा है, जिसकी वजह से लोग उन्हें पसंद भी कर रहे हैं, जिसके चलते तानिया शर्मा हर चीज में पीछे रह गई। साथ ही तानिया शर्मा का साइड रोल होने की वजह से इन्हें कभी भी शो में गायब कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको अभिनेत्री तानिया शर्मा और राधिका मुत्तुकुमार में से कौन सी अभिनेत्री सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और मजेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।